वंदे मातरम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, चलिए। लास्ट में हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, उसका ग्रुप में कैसे चेंज होता है। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कैसे चेंज होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब हमने देखा था फ्रेंड्स। आज हम उसके जैसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने देखा था फ्रेंड्स, उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता था। अब हम आज यहां पे देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है एटम के द्वारा या अट्रैक्ट होता है तो क्या होता है वो पढ़ेंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम, फ्रेंड्स कैसा एटम लेना है, न्यूट्रल गैसियस एटम, सपोज इट इज एक्स, टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, लेकिन किसमें करना है, टू न्यूट्रल गैसियस एटम, कोई ऐसा एटम लेना है जो न्यूट्रल हो, मींस नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव आयन, ओके, और गैसियस फेस में हो। सपोज हमारे पास ऐसा एक एटम है एक्स गैस, अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, नेगेटिव आयन में। तो ये पूरी जो प्रोसेस है उसमें जो एनर्जी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि क्लोरीन कैसा एटम है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिसीव करता है। तो जब क्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्लोराइड आयन Cl- गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान जो एनर्जी का चेंज होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके फ्रेंड्स, अब इसका साइन क्या होता है, तो एंथैल्पी के लिए हम जानते हैं डेल्टा एच लिखा जाता है, और यहां पे हम क्या लिखते हैं, चलिए अपना क्या थियरी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन में से ई ले लेते हैं, गेन में से जी ले लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे ई जी, तो इसका साइन बनता है फ्रेंड्स डेल्टा ई जी एच। ओके, ऐसे इसको बोला जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे फ्रेंड्स सिर्फ ऐसा लिखा है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस। जब हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था फ्रेंड्स, तो उसमें एकदम क्लियरली लिखा था एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, तो वहां एनर्जी रिक्वायर्ड होता था। ओके, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन था। कैसा रिएक्शन था, एंडोथर्मिक, एकदम क्लियर था, आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहां पे डेफिनेशन में नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन हो जाता है कि इज दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। फ्रेंड्स सबसे पहले एंडोथर्मिक क्या होता है, ऐसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, और जहां पे प्रोसेस के दौरान रिलीज एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और एक बेसिक है फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि रिक्वायर्ड एनर्जी, जब एनर्जी ऐड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो पॉजिटिव होता है। अगर किसी प्रोसेस के लिए 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो उसको हम बोलेंगे प्लस 100 किलो जूल्स। ओके, लेकिन जब एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, तो उतना एनर्जी का लॉस हो जाता है, एटम में से या सिस्टम में से उतना एनर्जी निकल जाता है, तो उस वैल्यू को हम किस साइन से लेते हैं, माइनस साइन डालते हैं उसमें। जैसे अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और 200 किलो जूल एनर्जी उसने रिलीज कर दी, तो वहां पे हम लिखेंगे डेल्टा ईजीएच इज इक्वल टू माइनस 200 किलो जूल। ओके फ्रेंड्स, तो ये साइन समझ लिया।
अब हमारा क्वेश्चन है कि इज दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो इसका आंसर है डिपेंड्स ऑन एटम्स, किस तरह के एटम्स हैं उस पर ये सारी बात निर्भर रहती है। जैसे कि अगर ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 18 ओनली ग्रुप 18 फ्रेंड्स याद रखिएगा, ओनली ग्रुप 18 एलिमेंट्स सो पॉजिटिव वैल्यू और एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस, वेयर इज ग्रुप नंबर 1 to 7 एलिमेंट्स सो नेगेटिव वैल्यू मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को डिस्कस करते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने के लिए बहुत ही काम आएगा, वो है मोर अट्रैक्शन मोर एनर्जी रिलीज मींस मोर नेगेटिव वैल्यू, मतलब जितना ज्यादा कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और इतनी ही ज्यादा हमको उसकी वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव। ओके, एक एग्जांपल से देखते हैं फ्रेंड्स कि यहां पे सपोज हमारे पास वाटर है बराबर, और यहां हमारे हाथ में एक स्टोन है, वाटर है। ओके, तो जब इस स्टोन को आप वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, जैसे ही स्टोन इसको टच होगा, जैसे ही इसके अंदर जाएगा, यहां से क्या होगा, ये जो पानी की बूंदे है वो बाहर निकलेगी। ओके, इसको ये जो वाटर है उसको हम एटम की तरह लेते हैं और जो स्टोन है उसको इलेक्ट्रॉन की तरह, तो हम अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे। अब आप सोचे कि जितना ज्यादा जोर से आप पत्थर डालेंगे उतना ज्यादा पानी बाहर आएगा, इसी तरह जितना कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, एंटर होने से ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है और हमको हाई नेगेटिव वैल्यू मिलता है। ओके फ्रेंड्स, इस बात को बराबर याद रखना है, मोर अट्रैक्शन मोर एनर्जी रिलीज मोर नेगेटिव वैल्यू। ओके, चलिए अब दो और इंपॉर्टेंट ग्रुप के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम डिस्कस करते हैं, वो है ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। ओके फ्रेंड्स, ग्रुप नंबर 17 मींस हेलोजन ग्रुप, अच्छी तरीके से हम जानते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्रेंड्स, ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स हैज वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। फ्रेंड्स, नॉट ओनली वेरी हाई, वेरी हाई नेगेटिव, नेगेटिव इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH। चलिए, व्हाई इट इज सो, लेट्स डिस्कस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन एटम्स, व्हाट इज द कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यस इट इज NH2NP5। So halogens have outermost shell, in their outermost shell how many electrons friends, yes 2 + 5 = 7 electrons। Okay, अब stable होने के लिए कितने electrons चाहिए किसी को भी, very easy, yes 8 electrons stable होने के लिए, noble gas, चले यही noble gas है, तो noble gas के पास कितने electrons होते हैं outermost shell में, 8 electrons, तो ये जो हेलोजन्स है उनको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो क्या हो जाएंगे, स्टेबल। फ्रेंड्स, ऐसा सोचे कि अगर किसी कोई लड़का है और एग्जाम में बैठा है, उसको पता चल गया कि उसका 32 मार्क का पेपर अटेंड हो गया है, अब सिर्फ एक मार्क का उसको रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, उसकी टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, स्टेबल होना है, अगर एक मार्क मिल गया तो उसका पूरा साल बच सकता है। ओके, तो कहीं से भी एक मार्क को निकालने का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से वो ट्राई करेगा, पॉजिटिव ट्राई में ऐसा होगा कि बार बार पेपर को देखेगा, सोचेगा कि कहीं पे कोई क्वेश्चन आ जाए और वो एक मार्क ले ले, और नेगेटिव में लास्ट में अगर उसके पास टाइम नहीं बचता है
तो वो क्या करेगा, किसी आजू बाजू में से किसी और में से वो कॉपी करने का ट्राई करेगा, लेकिन उसका टेंडेंसी कैसा हो जाएगा, वो जैसा वहां होता है वैसा ही सेम हेलोजन के साथ होता है। हेलोजन्स रिक्वायर्स टू स्टेबल ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स, ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू गेट हाई स्टेबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, तो टेंडेंसी क्या है उनका, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन हाईली, वो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रॉन को अपनी और क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, मोर अट्रैक्शन मोर एनर्जी रिलीज। सो एनर्जी रिलीज कैसा मिलेगा हमको, मोर, सो डेल्टा ईजी एच बिकम्स हाईली नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। ओके चलिए अब ग्रुप नंबर 18 के बारे में देखते हैं। ग्रुप नंबर 18 वेरी इजी, नॉबल गैस सोर्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजी एच, नॉबल गैस इज सो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हाई इट इज सो। चलिए वहां पे भी, यहां पे हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से, उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6, ओके कंप्लीटली फिल्ड, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये तो हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डार्क एंटर करेंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, वो हमको देखना होता है एग्जाम में, कोई पे कोई रट्टा नहीं लगाना है। अगर इलेक्ट्रॉन आया तो यहां क्या देखा हमने, ग्रुप 17 में स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, तो वो प्रोसेस होगी। अब जहां यहां पे इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन हाई एनर्जी स्टेट, यहां पे इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा तो वो हाई एनर्जी स्टेट में, मतलब कि नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिट का है उसमें एंटर होगा। चलिए देखते हैं, अगर नियोन, नियोन का एग्जांपल लेंगे तो हीलियम 2s2 2p6 उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला, एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में आगे क्या होगा, नियोन 2s2 2p6 3s1, कहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 3 में। तो अपबाव लो से देखिए, 1 से ज्यादा एनर्जी 2 की है, 2 से ज्यादा एनर्जी 3 की है, और दूसरा रूल क्या लगेगा, हायर द स्टेबिलिटी हायर द एनर्जी लेस इज द स्टेबिलिटी, हायर द एनर्जी लेस इज द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एंटर करने पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, डिक्रीज हो जाएगी। ओके और एक रूल याद रखेगा, सभी एटम्स और आयंस और नॉन लिविंग सब का एक ही रूल से, सब जो भी करते हैं नेचर में, जितना भी जो भी कुछ होता है फ्रेंड्स, वो स्टेबिलिटी के लिए होता है हर एक प्रोसेस। अब आगे हम और इसको ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, नेचर में जितनी भी प्रोसेस है लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, हमारे लिए, एटम्स के लिए, ओके सबको स्टेबिलिटी चाहिए। चलिए अभी आप इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो कोई एटम अपना स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं करना चाहता है, तो इसलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन रिपेल, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ही नहीं। ओके इसीलिए उसका डेल्टा ईजी एच का वैल्यू हमको कैसा मिलता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव मिलता है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पीरियड में जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या चेंज होता है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड डेल्टा ईजी एच बिकम्स
मोर नेगेटिव। कैसा होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं फ्रेंड्स, डेल्टा ईवीएच बिकम्स मोर नेगेटिव। ओके फ्रेंड, अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इसको पढ़ के भी याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको बराबर समझ लिया तो आपको अपने आप ये तय करना है कि मुझे क्या प्रूव करना है। मोर नेगेटिव हो रहा तो मोर नेगेटिव हमने रूल देखा था, मोर नेगेटिव ओके, मोर नेगेटिव मोर एट्रैक्शन। तो हमको यहाँ पे ऐसा प्रूव करना है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में जाते हैं तो एट्रैक्शन बढ़ रहा है। ओके, ये तो हम एटॉमिक रेगी में भी प्रूव करके आए हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी प्रूव करके आए हैं, तो ये कोई हमारी नई बात नहीं है फ्रेंड्स। ओके चलिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट फ्रेंड्स, ये तो हम आगे बहुत ही डिटेल में समझ के आए हैं कि ये जब एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तब वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो सेम ऑर्बिट में होता है, मीन्स देयर इज नो चेंज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके हम याद करते हैं कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, क्या होगा लिथियम हम लेंगे 2s1, या होगा 2s2, या होगा 2s2, क्या रहेगा n कौन सा मिल जाए सबके लिए n इज इक्वल टू 2। तो ऑर्बिट नहीं चेंज हो रहा है तो एट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट से राइट जाते हुए जो एटॉमिक रेडियस और धीरे धीरे कैसे होता है, ग्रेजुअली बिकम स्मॉल। अब फ्रेंड्स, इट विल बी इजी टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू ए स्मॉलर एटम सिंस इट इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। चलिए याद रखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ ऐड करना है इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे इसमें ऐड करना है। ये सपोज समझ लीजिए, और जाते जाते ये लास्ट में आ गया फ्लोरीन, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एट्रैक्शन ज्यादा होगा, जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा वो कहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा तो उसका न्यूक्लियर से जो डिस्टेंस, न्यूक्लियर से जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको, कम मिलेगा। तो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे नजदीक आएगा लेकिन उसका खुद का ही रेडियस बहुत बड़ा है। ओके, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये रूल जो है इसको बराबर से याद रखिएगा, इजी टू एड एन इलेक्ट्रॉन किसमें इजी होता है, स्मॉलर एटम, जितना एटम स्मॉल होता है उतना उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो क्यों अट्रैक्शन ज्यादा होता है, सिंस इट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत इजी होता हो जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस इंक्रीज। और हमने क्या कहा, आगे क्या बोला था, मोर नेगेटिव वैल्यू मोर अट्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, तो इंक्रीज हो रहा है तो अब हम क्या लिखेंगे, मोर अट्रैक्शन मोर नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो इसीलिए जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमको नेगेटिव वैल्यू और ज्यादा मिलता है। चलिए बहुत इजी है ये, तो अब हम आ जाते हैं उसके एक्सेप्शन फ्रेंड। हर जगह पर हमने देखा है कि जहाँ पे रूल्स होते हैं वहाँ पे एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पे दो एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पीरियड में, एक है बेरिलियम का और दूसरा है नाइट्रोजन का, एक है बेरिलियम का और एक है नाइट्रोजन का। ओके, इसको अगर याद रखना है तो हम ऐसे बोलेंगे बेरिलियम नाइट्रोजन, तो इसमें से क्या वर्ड बनेगा, क्या बोलेंगे इसको हम, बेन बोल सकते हैं ना, बेन, बेन टेन,
ओके तो बेरिलियम और ये तो याद करने के लिए टेन बेरिलियम और नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें हमको एक्सेप्टेंस देखने को मिलते हैं। क्या एक्सेप्टेंस देखने को मिलते हैं? चलिए तो बेरिलियम माइनस आयन इज लेस स्टेबल फ्रेंड्स, बराबर पढ़िएगा, बेरिलियम इज लेस स्टेबल ऐसा नहीं लिखा है। बेरिलियम एनायन और बेरिलियम नेगेटिव आयन इज लेस स्टेबल, मीन्स अगर बेरिलियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो क्यों ऐसा होता है चलिए देखते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर 4 है, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा हीलियम 2s2। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? b माइनस, मतलब के अगर हम यहाँ पे b माइनस कर देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा हीलियम 2s2 2p1, किसका हो जाएगा? b माइनस। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में आ रहा है? ऑर्बिटल में आ रहा है 2p ऑर्बिटल। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे थे? 2s2 में। ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। ओके, तो ये स्टेबल थी। अभी अल्फा ऑर्बिटल के हिसाब से देखें एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी ऑर्डर, तो 2s less than 2p, मतलब 2p का जो एनर्जी लेवल है ऑर्बिटल का वो 2s से ज्यादा है। तो जितना अभी हम आगे पढ़ के आए, जितना एनर्जी लेवल ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? 2p में, विच इज हाई एनर्जी ऑर्बिटल। तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाने के कारण उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है? लेस स्टेबल। ओके, चलिए एक्सेप्शन तुम्हें जाते हैं। नाइट्रोजन जनरली हैज लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, ये जो दोनों जो है अभी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, इसको अब हम गिन लेंगे जी और नीट के एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, ओके, तो आपको एनसीईआरटी पुराने बुक में था, पुराने सिलेबस में था, लेकिन अभी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन उनको ये जी और नीट के लिए इसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलिए, नाइट्रोजन जनरली हैज लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज सेम थिंग, लेस टेंडेंसी है मींस अट्रैक्शन कम होगा या तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है नाइट्रोजन का? इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन यस एटॉमिक नंबर 7, तो इट इज 2s2 2px1 2py1 2pz1। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि परफेक्ट लिखूंगा, आपको सिर्फ यहाँ पे समझाऊंगा, आपको बाद में इसको बुक में से लिख लेना है। अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो हमको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा? 2s2 2px2 2py1 2pz1। ओके, तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे जैसे 2px ऑर्बिट है उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले उसमें कितना इलेक्ट्रॉन था? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अभी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, जो p ऑर्बिट होता है वो दिखने में इस तरीके से होता है। तो पहले n और ns में क्या डिफरेंस है? जो n है उसमें 2px है और n माइनस में 2px है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो भी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो।
तो यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से क्या होगा, क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाएगा। क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन। ये जो 2p में अभी जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 2p में आ रहा है, तो पहले वहां पे कोई रिपल्सन नहीं था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन एड होता है रिपल्सन बढ़ जाता है, रिपल्सन इंक्रीज, और रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि कोई भी एटम नहीं चाहता है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो, इसीलिए नाइट्रोजन भी नहीं चाहता है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो, बेरिलियम भी नहीं चाहता है, इसीलिए ये जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ओके चलिए, थैंक यू।